hello everyone nimitita Joshi is here and this video is for the students of class 11th biology and the topic is from the chapter number 9 biomolecules okay so this is enzyme so um, before I start the video keep one word in mind enzyme is equal to biocatalyst. So generally they are proteinous in nature and, cat, uh, and uh, they are able to catalyze chemical reactions. Okay, but they are of biological origin. So they are commonly called as biocatalyst. Okay, so they are biocatalyst because they just work in the living cell. Okay, and act as a catalyst okay that's why they are biocatalyst so nucleic acids that behave like enzyme are called as ribozymes okay this is a term what is ribozyme then this is the answer the nucleic acid that behave like an enzyme now enzyme action how enzymes work प्रोटीन्स यू नो दे हैव द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ओके सो द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स दैट हैज पॉकेट्स इन टू विच सबस्टेट कैन फिक्स मीन्स टर्शरी यू कैन इन ईजी वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड जो टर्शरी प्रोटीन्स होते हैं वो कॉम्प्लीकेटेड होते हैं स्ट्रक्चर में और उनमें पॉकेट्स uh, बने होते हैं उन पॉकेट्स को हम एक्टिव साइट्स कहते हैं और उसी एक्टिव साइट में जाकर सबस्ट्रेट जो सबस्ट्रेट होता है वो फिट हो जाया करता है और इस तरीके से सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों मिलकर बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओके एंड ये जो होता है ये एक टेम्पररी टाइम के लिए होता है एंड दिस इज वेरी एसेंशियल जब तक एंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा रिएक्शन विल नॉट बी कैटलाइज प्रोडक्ट नहीं बन सकता ओके okay. सो so, सबसे पहले ई प्लस एस ई एस बनेगा ओके okay. दैन फिर उसमें एंजाइम जो है वो इट विल ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द सबस्ट्रेट ओके देन ओनली इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द प्रोडक्ट सो द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट जो ब्रिंग चेंजेस उसमें आते हैं दैट इज तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट uh, हो जाता है ओके okay. The major difference between inorganic and organic catalyst is inorganic catalyst works effectively at high temperature and pressure, but but enzyme gets damaged at high temperature temperature enzymes karna Okay. So the external energy required to start a chemical reaction. कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ये एक्टिवेशन एनर्जी को याद रखना होगा इससे रिलेटेड ग्राफ आएगा नेक्स्ट या कमिंग स्लाइड्स में ओके दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी दिस दिस इज द ग्राफ हियर यू कैन सी एक्टिवेशन एनर्जी दिख रही है जब एंजाइम की प्रेजेंस होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर डाउन हो जाती है ओके मीन्स एंजाइम लोअर्स डाउन एक्टिवेशन एनर्जी राइट मींस इसमें दिया है नॉर्मली यदि एक बिना एंजाइम के प्रेजेंस की यदि रिएक्शन होता तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज्यादा हाई थी मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बट जब वहां पे एंजाइम्स की प्रेजेंस है एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम जहाँ लिखा हुआ है तब एंजाइम की प्रेजेंस होने से एक्टिवेट एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है ओके सो दैट्स दीन्स इट यू कैन से एंजाइम एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स दे आर बायो कैटलिस्ट ओके एंड नियर अबाउट ऑल द एंजाइम्स They are proteins in uh, nature. Okay, ribozyme already I told you. And uh, uh, proteins have the uh, primary, secondary, and tertiary structure. But uh, enzyme uh, means enzymes are also proteins. Okay, so tertiary structure they have the tertiary structure. And the uh, active site of an enzyme is a pocket into which substrate get fit. ओके एंड हाई टेम्परेचर पे एंजाइम खराब हो जाते हैं इनएक्टिवेट हो जाते हैं लो बहुत लो टेम्परेचर हो तो भी इनएक्टिव हो जाते हैं यू नो वेरी वेल हम फ्रिज के अंदर जब सामान रखते हैं फूड आइट ईटेबल्स को रखा करते हैं मतलब जितना भी तो वो खराब क्यों नहीं होता इसीलिए नहीं होता क्योंकि जो एंजाइम एक्शन है वो हो नहीं पाता टेम्परेचर बहुत कम है तो एंजाइम काम नहीं करते ओके okay. और ऐसे एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं और जो उस पर डिस्ट्रॉय नहीं होते उनको हम थर्मोस्टेबल कहते हैं ठीक है दिस विल बी अगेन फर्दर इज विल बी स्टडीड इन क्लास ट्वेल्थ एज वेल ओके सो वॉट दे डू एंजाइम हाउ दे वर्क वो कैसे काम करते हैं फर्स्ट दे एक्सेलरेट द रिएक्शन एंड सेकेंडली दे लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ओके दीज आर The, the the factors which affect the enzyme action this is given in the short e short and we will study in the detail key there are factors temperature is a factor ph is a factor concentration of substrate is also a factor and we will study enzyme inhibition as well apart from these factors okay so um, just to begin with

हुआ करती है पीएच तो हर एवरी एंजाइम इज पर्टिकुलर पर्टिकुलर इन नेचर मीन एट इट वर्क एट ए पर्टिकुलर पीएच ओनली जो एसिडिक पीएच में काम करता है वो बेसिक में नहीं कर सकता जो बेसिक पीएच पे काम करता है वो एसिडिक में नहीं कर सकता सो एवरी एंजाइम हैज एन ऑप्टिम पी एच एट विच इट इज मैक्म एक्टिव ओके तो ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो न्यूट्रल पीएच पे काम किया करते हैं

तब क्या होगा फर्दर इंक्रीज ऑफ द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब उसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाते जाइए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नहीं बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा बिकॉज फ्री देर इज नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स अवेलेबल टू फाइंड द टू टू गेट कंबाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट ओके तो एक Uh, एक ऐसा uh, कंसंट्रेशन uh, होगा uh, जिस पर एंजाइम की वेलासिटी या रेट ऑफ रिएक्शन की वेलासिटी जो है वो मैक्सिमम होगी तो so, इसी से रिलेटेड जो टर्म्स है सो वी एम इज वी मैक्स इज द मैक्सिमम रेट ऑफ एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन दैट इज वेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड बाय द सबस्ट्रेट दैट इज वी मैक्स एंड के एम इज द मेजर ऑफ How easily the enzyme can be saturated by the substrate. Okay, so Km and the Vmax are constant for a given temperature and pH and are used to characterize enzymes. So, Vmax is the maximal rate of the reaction, it is the concentration of the substrate. Okay, and Km. Is the Michaelis maintained constant which shows the concentration of the substrate when the reaction velocity is equal to one half of the maximum velocity for the reaction? So you have to keep these terms, very important terms in mind. Now, how the enzyme action is inhibited. कैसे एंजाइम एक्शन जो है वो इनहिबिट होता है सो वी विल स्टडी ये भी कैटेगराइज है यहाँ पे कॉम्पिटेटिव भी हो सकता है और नॉन कॉम्पिटेटिव भी हो सकता है यदि हम कॉम्पिटेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर जो uh, जो इनहिबिटर होता है इट रिसेम्बल्स द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सबस्ट्रीट ओके

जो सबस्टेट है इट डज नॉट गेट द साइट टू गेट फिक्स एंड दैट्स वाई द एंजाइम एक्शन इज इनहीबिटेड ड्यू टू ऑक्यू दैट ड्यू टू ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द इनहीबीटर ओके सो ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कहलाया मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉम्पिटिशन था किस के लिए एक्टिव साइट के लिए ओके okay. सो so, uh,

इनिबीटर मॉलिक्यूल के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इसलिए उसको नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबीशन कहते हैं द यू नो द कॉम्पिटेटिव इनिबीटर बाइंड टू द एक्टिव साइट एंड प्रिवेंट्स द सबस्ट्रेट फ्रॉम बाइंडिंग देयर बट द नॉन कॉम्पिटेटिव इनिवीटर बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑन द एंजाइम क्योंकि उसका स्ट्रक्चर तो मैच नहीं करता है तो वो किसी और साइट पर अटैच हो जाता है एंड इट डज नॉट ब्लॉक द सबस्ट्रेट बाइंडिंग बट इट कॉट

one product of a series of enzyme catalyzed reaction okay so the first step of which is uh, catalyzed by pyruvate kinase so this is the example now terms already i told you the vmax and the km okay so the uh, next video will just uh, have the details of Types of enzymes, okay. Different types of the enzymes and cofactor. Thank you so much.